हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड रेलवे बाउंड्री के अंदर कड़ाके की ठंड से अज्ञात व्यक्ति की हुई मौत। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, चेहरे से फकीर जैसे लग रहा था, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष का लग रहा था। मौके पर सोजत रोड से चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल घनश्याम लाल व कांस्टेबल कान सिंह व जीआरपी चौकी प्रभारी बाबूलाल जाट मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त के कर रहे प्रयास। शव को सोजत रोड राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल घनश्याम लाल, इन्होंने ये कहा। सर, आप मौके पे गए और आपको ये शव मिला, चेहरे से ये फकीर लग रहा है। सवेरे रेलवे स्टेशन से पुलिस थाना सोजत रोड में सूचना मिली कि एक फकीर रेलवे ग्राउंड में मृत पड़ा है, जिस पर मैं और मेरे स्टाफ दोनों रेलवे ग्राउंड पहुंचे। वहां पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के स्टाफ वहाँ मौजूद थे, जिस पर मैंने लाश को अच्छी तरह चेक किया गया तो ये रेलवे ग्राउंड में भीख मांगने या कस्बे में भीख या रेलवे स्टेशन में घूम के भीख मांगने वाला लग रहा था, क्योंकि ये तैमल भी थी इसके और सर पे बाल और दाढ़ी भी ऐसी है कि जो फकीर की तरह ही है। फिर भी इसको चारों तरफ से चेक किया तो इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, ना इसका कोई आधार कार्ड मिले। वहाँ से मौके से लाश को हमने सोजत रोड मोचरी रूम में रखाया गया और आइडेंटिफिकेशन इसकी पहचान के लिए हमने मैसेज भी किए इधर उधर और गांव वालों को भी बताया, पहचान होने पर इनको वारिसान को सुपुर्द की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।